बस रोना नहीं है, रोना नहीं है, दुआ करो। अच्छा बच्चा रोते नहीं है इंशाल्लाह, खुशी से रवाना, खुशी से रवाना इंशाल्लाह, फिर भी बस खेल के रवाना बस। साथ हमारा दिल को दुख लगेगा। ये बहुत ज्यादा हंस के दिखाओ, सोना नहीं है, हंसो। आप बलते अच्छी लगती है, कैसे शुरू हो गया आप? खा रहा है तो बस ही तबीयत जो है ना वो खराब हो गई, फिर चेक करवाया 103 पे बुखार था। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सब बहन भाइयों की दुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना सुबह का टाइम है और हम सब जो है ना उठ चुके हैं, और जो है ना जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर मेहमान आए हुए थे, तो आज उन्होंने पकड़ ली है तैयारी। तो हमने जो है ना काफ़ी बार कहा कि आप लोग अभी ना जाएं, क्योंकि एक दिन तो सारा रहे हैं और आपके भाई की तबीयत अभी तक भी जो है ना वो सेट नहीं हुई, इतनी तेज़ बुखार हो रहा है दोबारा से। मतलब कि थोड़ी देर जो है ना वो कम होता है फिर आ जाता है, फिर कम होता है फिर आ जाता है, इतनी मतलब कि हालत उसकी बुरी है। दवाइयाँ भी खिला रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आ रहा। तो अभी भाई लोग जो है ना वो तैयारी करके जा रहे हैं और कपड़े वगैरह इकट्ठे कर लिए उन्होंने, और नाश्ता जो है ना आज का भाई अक्रम के घर था, जो कि सुबह का, क्योंकि अक्रम भाई नाराज़ हो रहे थे कि आप लोगों ने मेरी दावत नहीं खाई। तो भाई लोगों ने कहा कि आज सुबह का नाश्ता जो है ना आप हमारा अपने घर जो है ना बना लें। तो सुबह सुबह उठ के वहाँ चले गए, नाश्ता वगैरह करके आ चुके हैं और अभी जो है ना वो बाहर हैं, सारा सामान इकट्ठा करके इंतज़ार खड़े हैं कि अहमद की कि वो उठे और हम जो है ना उससे इजाज़त लें और फिर रवाना हो। तो चलें उनसे भी मिलते हैं और आप सबको भी मिलवाते हैं। तो जी अभी जो है ना हम बाहर जाने वाले थे और हमारे मेहमान दोबारा से वापस आ चुके हैं घर पे, हम वापस आ चुके हैं जाने के लिए, इजाजत लेके जाने के लिए। नहीं जाने देंगे आप लोग को, नहीं हमें जो है ना अभी दो दिन नहीं हुए आप लोगों को यहाँ पे, हमारा इरादा था कुछ दिन यहीं पे रहते लेकिन मेहमान जो है ना कुछ पहुँच चुके हैं हमारे घर, इसलिए मजबूरी है हमें जाना पड़ेगा। कुछ मेहमान हमारे साथ चल रहे हैं और कुछ पहुँच चुके हैं, हसन फिर हमें तो जाना पड़ेगा। खुशी खुशी जो ना हमें भेज दें घर, हम इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि इनकी भी मजबूरी है। मेहमान जो है ना इनके घर बैठे हुए हैं, तो जब अगली बार आएंगे तो फिर हमारी नहीं, हमारी नहीं आना है, आप लोग आएंगे अगली बार, आप लोग आएंगे फिर उसके बाद हम आएंगे, हम दूसरी बार आ रहे हैं। तो हमने कितने चक्कर लगाए वो भी तो देखो ना, अगर हिसाब पे आ जाए ना तो गिन ले हमारे चक्कर ढेर होंगे, ज्यादा नहीं ये चलो ज्यादा कि हम कितना की बात है, क्या पता आपका चक्कर पहले लगता है या हमारा लगता है, आपका लगेगा इंशाल्लाह, ये आपका चक्कर लगेगा इंशाल्लाह। वो मिला तो पता कि नहीं, नहीं मिला, मैंने कहा तो साथ में कोई स्पीकर वगैरह रखा होगा, जिसने भी दुपट्टा उठाया शमशादी का दे जाए वापसी, कोई बात नहीं मैं और ले ठीक है बाबू, चलो मिलने दी गया अल्लाह, इजाजत ले ली, इजाजत होती है आ जाए सही है
हसन हमारे साथ जा रहा है। आपको एक रात पूरी हो जाएगी। उधर देखे कितना खुश हो रहा। हसन किधर जा रहे हो? हसन बिल्कुल रेडी हो चुका है जाने के लिए कि हम जा रहे हैं। हसन जाने बाय बाय कर दो। बाय बाय। हाँ बे बे कर दो सबको। अपनी मम्मा को बे बे कर दो। आज हम घर चले, उधर नहीं जाना। नहीं नहीं ठीक है मेरी बहन। ओके जी, हमारे मेहमान जो है ना आज हमें अकेला छोड़कर जो है ना वो जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा से हमारे पास वापसी आएंगे, है ना भैया? नहीं आप नहीं आना है। हम और भी मेहमान आ गए आपके। देखो अम्मी वाले भी आ गए हैं जल्दी। और हमें इंतजार किया हमारे घर से आने के लिए। तैयारी भी आपकी हो गई है। इंशाल्लाह जब फिर आएंगे ना आपके घर आएंगे। ऐसे करते हो फिर आएंगे आप? तीसरा चक्कर लगाया फिर आएंगे दाल खाएंगे। अब हम दावत तो खाते रहते हो। वो भी किस्मत में, जब किस्मत में होगा ना जब भी आते हैं आपके घर दावत जरूर खाना खाना। तो हमारी पूरा दिन में किस्मत नहीं नहीं वो बहुत का किस्मत इंशाल्लाह हाँ यकीन के होंगी मुलाकात कभी तो हो रही है और भी होंगी। बस रोना नहीं है, रोना नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है इंशाल्लाह। दिल को दुख लगेगा। भाभी रोना नहीं है, हंस के दिखाया वरना हमें परेशानी होगी बहुत ज्यादा। हंस के दिखाओ। रोना नहीं है हंसो। आप बल्कि अच्छी लगती हो। आंखें लाल हो गई। रोना ना भाभी, इंशाल्लाह तो फिर जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। टेंशन ना लेना। जी अभी फैमिली जो है ना कहते हैं कि जुदा होने का वक्त आ चुका है और अभी जो है ना शमशादी मुझे छोड़ कर वापस जा रही है अपने घर। तो आप सब बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है कि खैरियत से जो है ना अपने घर पहुँचे। और मेरी बात सुनो, जब भी जाना है ना फिर आप खुद शुरू होगी रोना, मुझे रुला के फिर शुरू हो गया आप। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आएंगे आपकी तरफ। चुप रोना नहीं है, क्योंकि ये जो इतना अलग होने वाले पल होते हैं ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। जो कि इतनी ज़्यादा रौनक मेला लगा हुआ था हमारे घर, बिल्कुल पता भी नहीं चलता था टाइम का कि कितने टाइम हो गया है। लेकिन आज जो है ना बिल्कुल हम अकेले से आए और नहीं जा रही है वापस। इंशाल्लाह आप ले जल्दी इंशाल्लाह।
दुआ करो आपके भाई की तबीयत ठीक हो जाए ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द से चले जाएंगे हम। ठीक है, ठीक है, चले गए। हाँ, अभी जो है ना वो रवाना हो चुके हैं घर की तरफ वापस। तो आप सब बहन भाइयों से अपील है, सब ना दुआई करनी है उनके लिए कि खैरियत से जाना अपने घर पहुंच जाए। और बाकी सब जो है ना यहाँ पे जमा हुए और अम्मी खाना बना लिया आप लोगों ने? चलो जी, अम्मी कहते हैं मैंने तवे पे बना लिए तो हम भी अभी चलते हैं। बना लो तंदूर, वैसे गरम है, हमने इधर बनाया तंदूर। अभी तक भी अंगारे पड़े हैं। तो लो थोड़ा सा नहीं आ, लेट हो गए, नहीं तो इनकी रोटी तो बन जाती। मैंने मोटी लकड़ी डाली थी, पता नहीं था ना कि तंदूर जला रहे हैं। वरना मैं आटा मेरा गूंदा रखा था, रात हमने गूंदा था ना, वो काफी सारा रखा हुआ। बड़ी सी लकड़ी हो इब्राहिम, खामोश हो जाओ। हां, थापियां डाल के दोबारा से जला लेते हैं, फिर अम्मी रोटी बना दे, फिर चल जाओ। ओके, चलें जी, अभी जाना घर चलते हैं और आटा ले आते हैं इधर। तो जो है ना फिर रोटी बनवा लेते हैं अम्मी जान से, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाकी का जो काम है घर का वो होता रहेगा इंशाल्लाह। चलो जी, अभी जो है ना फ्रिज से उठाते हैं मिठाई का डिब्बा, और ये जो है ना रात जैन बेटा वापसी आया था घर से तो मिठाई का डिब्बा लेके आया था। अभी जो है ना सबका जो है ना मुझे तो मुँह मीठा करवा देते हैं। अम्मी जान उठा लें, पता नहीं ये अभी पूछा नहीं है। ये तो ठंडी हो गया, निकाह हो गया आपका? क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ। मिठाई जो खिला रहे हो? बताऊंगा। अच्छा, कोई सरप्राइज है? हाँ, सरप्राइज है। अच्छा, वैसे रात बंदा तो पहले बता रहे थे, उसके बाद मिठाई खाते हैं। मिठाई खाने के लिए। हेलो, ए हसन, ना करकंदा अम्मी जान आप वाहाल अभी नहीं खाना? नहीं, आगे नहीं खाना। चले, अम्मी जान कहती है अभी मैंने नहीं खाना, मैं थोड़ी देर बाद जो है ना खाऊंगी, क्योंकि अभी अभी नाश्ता किया है ना तो फौरन जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। चाचू नहीं खाते? चले जी, हम तो खाएंगे। क्या खबर है हिंदा, या क्या चंगे थी? जो दिल करे खाए। बस खा रहा है, नहीं खाना। चलें जी, उसकी तबीयत डाउन है, वो जो है ना कोई कुछ मतलब कि कोई चीज़ भी नहीं खा रहा है। मैंने कहा कि आपको कुछ बना देती हूँ, या दाल चावल या कोई चीज़ भी जो खाओगे मैं वो बना देती हूँ। कहते कुछ भी नहीं खाना, तो अभी टेबलेट वगैरह दवाई वगैरह भी इसने पीनी है, तो मैं कुछ जो है ना बना लेती हूँ उसको खिला के, फिर दवाइयाँ वगैरह खिलाएंगे। और आप सब ने जो है ना बहुत सारी दवाई करनी है कि अहमद की तबीयत जो है ना वो जल्दी से ठीक हो जाए। क्या है रसगुल्ला कहते तो चलें जी, सबको मिठाई जो है ना वो दे दी, अभी इसको रखते हैं। अभी बताओ ना क्या चीज की मिठाई है, हम ने उठा के बैठ गए हैं खाने तो आए। क्या चीज की है बता दो? हाँ बता दो। अल्लाह के बंदे, मेरी मंगनी होगी है। तो मैं तो ये कह रहा था ना, आपका निकाह हो रहा है ना? निकाह होना है अभी, निकाह भी होना है। अच्छा अच्छा, लड़की नाम हुई है, अभी निकाह करना है। सही है, बहुत अच्छी बात है। हम इसीलिए ना पूछ रहे थे, कोई खुशी था हमें बताओ आपने, किस चीज की खुशी में मिठाई खिलाई है? खुशी थी तो मिठाई आई है। अल्लाह खुशी ना दे, अल्लाह खुशी आप नसीब करे। आमीन। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, मिठाई वगैरह जो है ना हमने खा लिया और सबको दे दिए, और अभी जो है ना टाइम आ चुका है हमारा काम करने का, सफाई वगैरह करने का। अगर बैठे रहेंगे तो ये ऐसे कैसा ही रखा रहेगा, तो क्यों ना कोशिश करें कि जल्दी जल्दी से काम वगैरह अपना जो है ना वो ख़त्म करें, उसके बाद जो है ना फिर रेस्ट करेंगे। तो अभी जो है ना मैं पहले पहले शुरू करूँगी कमरे से, इधर से जो है ना झाड़ू लगाना शुरू करते हैं और इसकी चादर वगैरह भी सीधी करते हैं। जो बच्चे वगैरह ऊपर बैठे रहते हैं ना, सारी इकट्ठी कर दी है चादर। लेकिन हालांकि मैंने इतनी अरसे से काम भी नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चलता, करीबन आधे घंटे में सारा काम जो है ना वो फाइनल हो जाता है। और सिर्फ थोड़ा
वो सांस चढ़ जाती है जब पोछा लगाए ना उस टाइम, लेकिन और काम का तो पता ही नहीं चलता कि काम किया है या नहीं। और बर्तन जो है ना वो मैंने कल रात जो है ना वो सारे धो के रख दिए थे, और बाकी जो रखने वाले हैं वो अंदर रख देंगे, जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो फिर हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा ही हो आपकी मुर्गी का अंडा हमने रखा है कल वो तंदूर वाली दड़ी पे जो बड़ी नहीं रखी उधर नीचे, वो अपना उठा लेना। अच्छा कल वो आप चले गए तो हम आए तंदूर पे रोटी बनाने के लिए, तो मुर्गी जो है ना अंडा उस टाइम दे दिया है। आपका अब जो है ना सैका करके रख दे, वो कहते हैं बिल्ले ना खा जाए। चलो हाँ। तो पानी वाली कैन हम ले जा भरने जा। नहीं ले जाए हम अपने, हम आज अपनी ले आएंगे, वीडियो बना ले फिर हम ले आएंगे अपने। हाँ। हाँ। बड़ी वाली ले वो बड़ी लेंगे ना, 6-7 लीटर वाली मिलती है बड़ी चिट्टी, वो हाँ वो ले आएंगे, फिर उधर से भरता ही आएगा बस। सही है क्योंकि अभी चल रही है ना वाट सप्लाई चल रही है, अभी हम जाना है ना पानी। वैसे इसका टाइम टेबल आपको पता है? हाँ टाइम टेबल इसका जो है ना सुबह चलती है 12 बजे तक, 12 बजे तो बंद हो जाती है, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, हाँ 4 बजे चलती है, 5 बजे तक फिर मसला ही नहीं है। 12 बजे मतलब के 11:30 ही भर रहे हैं तो शाम तक हमें नहीं खत्म होती। हाँ। फिर अगर थोड़ा वो कम पड़ गया तो फिर वो जो है ना शाम को 3 बजे। हाँ, क्योंकि 2 कूलर हम भर के आते हैं सुबह, तो 1 कूलर जो है ना शाम तो नहीं खत्म हो जाता सुबह, और काम लेते हैं ये भी भर के रख देते, क्योंकि उस टाइम जो है ना भर के रख दिया है तो हमें पता नहीं चला मेहमान आ गए, माशाल्लाह हम जो ना इधर भेज दिया है, तो अपने 2 कूलर इस्तेमाल करते रहे। ये भी हम मोल खरीद के आए हैं, बच्चे बीमार थे तो इसलिए जो ना हम वो मोल लिया है पानी को, क्योंकि इनको पिलाने के लिए। चलो आ जाओ चले। तो जी अभी कवर वगैरह सबके जो है ना मैंने सीधे कर दिए, और अभी जो है ना शुरू करते हैं झाड़ू लगाना, और हमारा हसन जाने भी हमारे पीछे पीछे ये तो झाड़ू आपका ज्यादा कचरा कर रहा है। नहीं ये कल हसन जाने ने उठाया है ना, तो इसको उसने तोड़ दिया है सारा। इसको ले जाओ महबूब भाई ले जाओ, बच्चे तो एक काम करने नहीं देते, दूसरा जो है ना अगर कोई बंदा कर भी रहा हो ना तो फिर उसको बड़बड़ी करते हैं। ओ मैं केन रखी हुई नहीं। अच्छा अरे अहमद की तबीयत सही नहीं है, फिर जाना जब सब सही हो जाएगा वो पौधा लेके आएगा, इसमें पानी भर के ले आना। ठीक है। हाँ जी ये काफी है आप लोगों को, बहुत पानी आता है इसमें, जितना कूलर का पानी होता है उतना होता है। चले फिर जब भरने जाए तो हम कॉल करना, हम फिर चलेंगे। हमारी बाइक नहीं है ना, चलो बाइक पे जाएंगे। चलो ठीक है। तो जी अभी जो है ना हसन जाने नहा के आ चुका है, और न्यू कपड़े भी उसने पहन लिए हैं, और अभी जो है ना बारी है इसको कंघा दिलवाने की और सुरमा पहनाने की, तो ये इसी वजह से जो है ना आराम से सो रहा है। दिलवाऊ सुरमा है? अच्छा कोई बच्चे होते हैं ना कि सुरमा नहीं डालने देते, लेकिन हमारा हसन जानू इतना माशाल्लाह से अच्छा है, खुद ब खुद सो जाता है सुरमा जो है ना दिलवाने के लिए, है ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें गुड बाय। चले जी ओ शहजादे, टीके भी लगाओ, एक मिनट टीके 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 ऐसे 1, 2, 3 और 4 ओके। चले जी माशाल्लाह से खुश हो जाता है जब इसको टीके वगैरह लगवाऊ ना, तो दोनों जो है ना खुश हो जाते हैं। अभी करते हैं हम कंघा और बनाते हैं बालों की पफ, है ना, जैसे नहीं बनाए। चले जी वो कहते हैं कंघा ना दिलवाओ और मैं ऐसे जाऊँ, इसको जो है ना जल्दी है नानी अम्मी और नाना अबू इसके जा रहे हैं वापसी अपने घर, तो ये कहते हैं मैं भी साथ जाऊँ उनके। एक मिनट हसन चलें जी इसको कंघा वगैरह दिलवा के फिर जो है ना हम अपने काम की तरफ चलते चल लग गई फोटो लगाने का स्टाइल, और चलें अभी आ जाओ। ओए होए चलें जी अभी जो है ना हसन जाने को लेके जा रहे हम बाहर। ओ ओ ओ आंखों को क्या हो गया शहजादे की, आंखें फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, आंखें दिखाओ, आंखें मारो ऐसे ऐसे करो, आप नहीं करेगा। चले अभी जो है ना इसको लेके चलते हैं बाहर, और अम्मी अबू जो है ना इसके इंतजार में बैठे हुए हैं कि हसन जाने दो और हम जो है ना इसको लेके जाएं वापस।
और ये ना जी ये रेडी हो चुका है। बिल्लो बिल्लो अखी मेरे हां बब्बी चा मबू आ जाओ। नानी मां आ रही है ये आ मैं चलो चलें जी। अम्मी जब इसको नींद आया तो फिर सुला देना उधर जो उसके अंदर छोटा सा पुर्जा होता है ना वो खराब हो गया चले इसको ले जाए हम काम वगैरह काट लें उसके बाद जो है ना फिर इसको दे जाना ठीक है। हसन जानी बाय अभी जो है ना मैं चारपाई लेके जा रही हूँ अंदर और इनको जो है ना हम दोबारा से सेटिंग में लगा देते हैं और अम्मी जान ने जा झाड़ू वगैरह उठा के शुरू हो गया। अम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। काम काज करते हैं तो सेहत बनते हैं ना बंदा। हाँ बिल्कुल। सब कहेंगे कि अम्मी जान को जो है ना आपने मतलब कि इस उम्र में झाड़ू दे दिया। हमने नहीं दिया, मैं झाड़ू दे रही थी फिर हसन जाने को मैंने तैयार किया फिर वापसी आई तो अम्मी जान ने झाड़ू उठाया हुआ था खुद। कहते हैं कि मैं आपके साथ मिल के ना जल्दी जल्दी काम करवा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है इसी वजह से। और गिफ्ट मिल गया मेरे को हम जल्दी जल्दी काम कर देना तो कस लावा। इधर से ये सिराने जो है ना उठा लेते हैं तकिया फिर हम चार पाँच दोबारा से इसके ऊपर लगा देते हैं। जब काम आएंगी तो उतार लेंगे वरना नीचे पड़ी रहेंगी फिर मैं भी उतारूंगी। चारपाइयां सारी हमने लगा दी हैं और अभी जो है ना चादर ऊपर डाल देते हैं ताकि धूल वगैरह हो ना वो चादर के ऊपर आए और चारपाइयों के ऊपर ना आए। फिर चादर तो उठा के बंदा जल्दी से धो देता है और चारपाइयों को फिर सारा दिन लगता है धोने के लिए। फिर सूखा कपड़ा वगैरह मार के इसको दोबारा से चलाएंगे पानी वगैरह और बोतलें वगैरह जो है इसी में रखेंगे ये साफ हो जाएगा। फिर तो अबू जान जो है ना उठ रहे हैं और चार पाई इस तरह कैसे डालेंगे इसको जो है ना फेर के बेबी आगे हट जाओ जी। फ्रीजर जो है ना हम लेके आ चुके हैं यहाँ पे और अभी जो है ना मैं बाल्टी में सरफ थोड़ा सा ले आती हूँ और इसको जो है ना अच्छे तरीके से मांजते हैं उसके बाद जो है ना फिर आप सब भाइयों को इसकी लुक चेंज चेक करवाएंगे कि कितनी लुक इसकी चेंज हो गई है।
बेबी जानी जी मुझे तो मैं खुद धोती हूँ, लेट हो गई है मुझे। ये खाओ, ये क्या है? अभी जो है ना सरफ लेके आते हैं, फिर जो है ना धोएंगे। बेबो हाथ नहीं मार। चलो जी सरफ जो है ना अभी लगाना शुरू कर दिया है हमने, और इसको जो है ना जल्दी से साफ साफ सरफ पर जाना है। अच्छा मजे की बात है, मैंने इसको पहले पानी से भिगोया भी नहीं है, ऐसे जो है ना वो कर दिया मैंने इसको, कपड़े लगाना शुरू कर दिया। चमक रहा है। अभी जो है ना पोचा मारना शुरू कर दिया है, मैंने जाने झाड़ू मुकम्मल कर लिया था, तो मैंने कहा कि उधर से जो है ना वो फ्रीजर का पानी वगैरह जब तक ज़ाय होता है तो तब तक मैं इधर पोचा लगा लूँ, ये सूख जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर हम उस साइड पर पोचा लगाएंगे। बाकी जो है ना ये हमारा थोड़ा सा सेम रहता है जो कि मैं इसको साफ कर रही हूँ। इसके साफ करने के बाद फिर जो है ना हमने जाना है छत पे, और कितने दिन हो गए छत पे भी झाड़ू नहीं लगाया हमने, तो छत की भी आज सफाई करेंगे, उसके बाद बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। फाइनल होने के बाद जो है ना फिर हम आज जो है ना मेरे कपड़े वगैरह भी इस्त्री करने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना पहले भी जो है ना एक गठरी धो के रखी थी वो भी रखे हुए हैं, तो कल भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए हैं तो वो भी रखे हुए हैं। कुछ इस्त्री करूँगी आज, कुछ कल करूँगी इंशाल्लाह, ये काम बिल्कुल सारा फाइनल करके उसके बाद जो है ना फिर टेंशन खत्म। फिर कैसे फिर दोबारा से मशीन कपड़ों की भर जाएगी, फिर वो लगानी पड़ेगी दोबारा। अस्सलामुअलैकुम प्यारे मन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआओं से तबीयत जो है ना वो कुछ बेहतर है, रिकवर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप सब ने ऐसे ही मुझे दुआओं में याद रखना है, क्योंकि मुझे ईद के मतलब ईद वाली ईद का दिन गुजरा था, रात को सोया था, सुबह जैसे ही मैं उठा तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ बुखार था, तो मैं फिर चला गया था दवाई लेने के लिए, तो चेक करवाया था 101 पे बुखार था, फिर दवाई वगैरह ली और वापस आ गया।
इधर घर आया तो बसीत तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई, फिर चेक करवाया 103 पे बुखार था। तो अब 103 से बुखार जो है ना वो उतरा ही नहीं है, मतलब जब देखो 103, 104, 103, 102 इधर जो है बुखार रहा। कल फिर गए, ले गए हॉस्पिटल, टेस्ट वगैरह करवाए, तो उन्होंने कहा कि ये मलेरिया है, मतलब मच्छरों की वजह से। और ये जो मलेरिया होता है ये 3 दिन तक ना रोज़ जो है ना वो आता है बुखार, और बहुत तेज़ बुखार आता है। तो अब खाना पीना भी कुछ, अब रात मेहमान आए हुए थे तो साहबजा ने देखे मेहमान भी तो किस्मत से आते हैं, जैसी भी तबीयत थी फिर भी मैंने ना अपने आप को मतलब वो करके ना एक्टिव करके ना चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानों के साथ भी बहुत अच्छा माहौल गुजरा, पार्क में गए, होटल पे गए, खाना वगैरह खाया। तो उधर भी मैंने खाना जो है ना वो सिर्फ 2-4 निवाले खाए, मुझे ना फिर उल्टियाँ आने लगी। तो रात भी कुछ नहीं खाया, कल सुबह भी कुछ नहीं खाया, अभी भी बिल्कुल भी भूख वगैरह जो है ना वो नहीं है। तो अब जो है ना जैसे भूख लगेगी थोड़ा बहुत कुछ खाऊंगा, तो उसके बाद जो है या एक जूस वगैरह पी के ना गोलियाँ और टेबलेट वगैरह खाऊंगा, सीरप वगैरह भी पीऊँगा। तो आप सब ने दुआएं कर दी है मेरी तबीयत सही हो जाए। तो अब आप इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।